खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां शहर में दूषित पानी की समस्या और छोटे अधिकारियों को निलंबित करने के विरोध में मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष जयवीर गोदारा ने नौहर उपखंड कार्यालय के आगे सांकेतिक धरना लगाया। जयवीर गोदारा ने कहा कि विभागीय अधिकारियों की लापरवाही और मनमानी के चलते शहर की जनता दूषित पानी पी रही है। दूषित जल के सेवन से लोग बीमार हो रहे हैं, जिससे विभाग को कोई लेना देना नहीं है। वहीं भ्रष्टाचार का खुलासा करने पर विभाग के AN व JN को निलंबित करना भी सही नहीं है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए बताया कि विभाग में बड़े अधिकारी भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं, जिसे सरकार बचा रही है, पर भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले छोटे अधिकारियों को सजा दी जा रही है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जयवीर गोदारा ने कहा कि सांकेतिक धरने से अगर समस्या का समाधान नहीं होता तो हम आगे बड़ा आंदोलन करेंगे। नौहर में पिछले 2-3 महीने से डिग्गियों की सफाई नहीं हुई है, वाटर वर्क्स के अंदर जानवर मरे पड़े हैं, लोग बीमार हो रहे हैं और बहुत बुरी हालत है। और गांव के लोग, हमारे शहर के लोग जो हैं, वो यहां से 5 किलोमीटर दूर नलके के ऊपर रात को इस कोरोना काल के अंदर 500-500 आदमी लाइन में लगे हैं और छोटे कर्मचारियों का आपस में झगड़ा है और 2 छोटे कर्मचारियों को इन्होंने सस्पेंड किया है। बड़े वाले बैठे मौज कर रहे हैं, पैसे खा रहे हैं। तो इसलिए हमारा धरना एक दिन का सांकेतिक धरना है कि सरकार छोटे कर्मचारी जिन्होंने उजागर किया है उनके साथ जाति ना करके बड़े अधिकारी जो है एक्शन जो है उसको सस्पेंड किया जाए और हमारे तुरंत जो है वाटर वर्क्स की सफाई करके शुद्ध पानी दिया जाए। ये सरकार को हम आज के धरने के द्वारा बताना चाहते हैं कि आज तो ये सांकेतिक धरना है, अगर नहीं करोगे तो फिर हम आगे भी बड़ा आंदोलन करेंगे।